तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं 10 मिनट पहले ही ऑफिस के काम से फ्री हुई एंड मैंने बनाया डिनर के लिए मशरूम और मटर काफ़ी टाइम के बाद। अदरवाइज मैं महीने में 3-4 बार तो खा ही लेती, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। सो ये ऑलमोस्ट पक चुका है, थोड़ा सा रह गया है एंड कैफे अंजलि गई है क्योंकि मेरी मीटिंग थी। तो अब मैं पकने देते थोड़ा सा, रोटी बनाएंगे कैफे में। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी प्रतिमा चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग वेल। सो 6 बज गए हैं, मेरा डिनर रेडी हो गया और मैंने रेडी भी हो गया। रेडी तो क्या ही होना, आजकल ना इतने बुरे हाल है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने जो है ऐसे वो कर दिए, पौनी कर दिए हैं, इससे इजी रहेगा और स्वेटिंग कम रहेगी। सो अब चलते हैं कैफ़े, और अंजलि चली गई थी कैफ़े आई थिंक 4:30, तो तब से मेरी मीटिंग वगैरह थी, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं डिनर बना के जाती हूँ। सो लंच वगैरह मैंने कर लिया था। सो अब चलते हैं बाहर, और मौसम तो गर्मी होगी बाहर, सो मिलते हैं कैफ़े में। सो गाइस मैं कैफ़े आ गई हूँ और अंजलि बहन, गर्मी कितनी अंजलि, हाँ जोर से बोल, बस इसकी जोर से यही वाली आवाज है, जोर से बोल यार। अब पियेंगे नींबू पानी, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा लग रहा है। सो गाइस मैं कैफे से आ गई थी, अभी मैं टेरेस पे सारा काम फिनिश करके आई हूँ और बहुत ज्यादा अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। सो सुबह के बजने वाले हैं 10 मिनट रह गए, और मैंने नहा ली तो सब कुछ कर लिया तो, और सनस्क्रीन भी अप्लाई कर ली थी बट सारी धूल गई है पसीने में। तो अभी मैंने सोचा एसी ऑन कर लेती और मेरे को यहाँ पे पिंपल हो गया बट ये ठीक हो गया, और यहाँ पे हो गया वाटर ब्लिस्टर, इतनी ज़्यादा पेन है, पहले यहाँ पर तब सारे में फैल रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। सो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाली हूँ मैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट अंजलि सैंडविच बनाई, अंजलि ने बनाई थी सैंडविच और मैंने बनाया मैंगो शेक। अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं खा रही हूँ सीजन की फर्स्ट चेरी, और इस बार ना चेरी का सीजन जो है ना लाइक चैत कम रहा है तो फ्रूट्स कम रहे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने फिर भी ले ली। यहाँ पे मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने, काफ़ी ज़्यादा टाइम से करवाई नहीं थी तो करवा ली थी। महारानी ने खाना खा लिया और चावल ही खाती है भाई, दिन कैसी लेटी है कैसी लेटी है यार तू, रात वाली स्टोरी बता। जोर से बोल यार, गैस की आवाज निकल रही। मैंने रात को चावल बचाए थे, वो आई बुआ और खा ली। क्या तो मैंने सोचा था कि मतलब मेरे को रात को भूख लगेगी 12 बजे तो मैं खाऊंगी, तो एकदम से खाया कर ना, एक बार ही खाया कर। रात को क्या हुआ था ना, मैंने मटर और मशरूम बनाए थे जो कि बहुत ही डिलीशियस थे, तो मैं लेके गई थी कैफे अपने लिए और गोपी भैया के लिए, अंजलि ने यहीं पे खाया। मैंने उसको स्पेशली बोला कि तू चपाती खाए क्योंकि चपाती खाती नहीं है, और जो राइस है, राइस जो पहाड़ी होता है ना हमारी कमजोरी होती है, तो मैंने खाना तो खा ली, 3 चपाती खा ली। आके मैंने देखा कि फ्रिज में क्या है, उसने चावल में मिक्स किया था वो मशरूम मटर, और मेरे को ना कंट्रोल ही नहीं हुआ राइस दे के, और मैंने खा ली। और अंजलि का प्लान था कि मैं रात को उठ के खाऊंगी, वो मैंने खा ली। तो इसको मैं यही बोलती हूँ कि भाई अगर चावल बचे हुए तो छुपा के रखना, वरना मैं खा लेती हूँ, मेरे को ऐसा होता है कि चावल तो खा ही लेती हूँ। मटर प्याज के बना देती हूँ ना, और अंजलि मैंने बोला था चपाती बनाई, इसने राइस बनाया बट बहुत अच्छे राइस बनाई थी, कितने सही बने। और टमाटर यार, आजकल तो चटनी वगैरह खा के इतना मज़ा आता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। हेलो गाइस, शाम के बज गए 6 और हेलो तो बोल दे, हेलो। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास सॉक्स नहीं है, पता नहीं इसने मेरी सारी सॉक्स एक एक सारी गायब है, और कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें थी वो जो लेनी है, तो मैं सोचा चल जाते, चल जल्दी लेके आ यार, पर्स लेके आ, ये लंच में
हाँ लंच भी ले गया, टिफिन भी साथ लेके। मैं भी खेलूं, शाबाश। और परे मत, ज्यादा पर ले मत ले अंजलि, मैं खेल के देख। चप्पल पहनी तो चप्पल में जो है अच्छे से वॉक नहीं होती, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, समझ क्या नहीं आ रहा सर। सर बताओ किस चाहिए था, कौन से सवाल का जवाब। सुंदरता का राज की है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਬ ਵੀ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਚੌਹਾਨ ਆਫ ਯੂਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। जब मन कर रहा तो खा लो ना यार। ओफ ओ आंधी देखो गाइस, सारी मिट्टी मेरे नाक में पड़ी। ओफ ओ गॉड दिस इज वेरी डे। ओफ गॉड लाइट भी चली गई, गॉड मैं गलत कहीं पे। सबसे छोटे वाली आइसक्रीम खाऊंगी मैं। हाँ मैंने अच्छा मानी बारिश हो गया ये। इतना गंदा तूफान चल रहा ना। और मिट्टी सारी घर जाके नहाना पड़ेगा। कैफे क्लोज कर लिया है और इतना अजीब तूफान पहली बार देखा। आइसक्रीम भी फिनिश नहीं कर पाया, गाड़ी में बैठी हूँ, फिर जाती हूँ घर। मैं घर पहुंच चुकी हूँ बट इतनी भीग गई ना, लॉक ही नहीं लग रहा था गेट का। अब गुस्सा आ रहा था मुझे, और हाथ में देख लो फोन की बैटरी भी लो है। बारिश देख लो गाइस, इतनी अजीब बारिश हो रही है। ओह गॉड